हरे मूंग के इंस्टेंट बड़ी की सब्जी बनाएंगे। भिंगोए हुए मूंग, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक का टुकड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। नमक हल्दी पाउडर डाल मिक्स कर लेंगे। स्टीमर या कढ़ाई ले ले, प्याज टमाटर अदरक का टुकड़ा लहसुन हरी मिर्च पानी डाल देंगे। ढककर पकाएंगे। जब उबाल आ जाएगा तो इसके ऊपर हम एक जाली वाला प्लेट रख देंगे। ऑयल लगा लेंगे। छोटे छोटे बड़ी का शेप डालेंगे। ढककर पकने के लिए रख देंगे। 5-7 मिनट में पककर रेडी हो जाएगा। निकाल लेंगे। अभी इसे टच नहीं करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके जगह पर हम दूसरे प्लेट को रखेंगे। बड़ी का सेप और तैयार कर लेंगे। मूंग का पेस्ट बचा हुआ है। 5-7 मिनट हो चुका है। अब इस प्लेट को भी हम निकाल लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। प्याज टमाटर है वो भी पक चुका है, ठंडा होने देंगे। बड़ी निकाल लेंगे। या प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई सरसों का तेल गरम कर लेंगे। जीरा तड़का लेंगे। हींग डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे। पकने देंगे। पिसे हुए मसाले डाल देंगे। चलाएंगे, ढककर पकाएंगे। चना मसाला, कसूरी मेथी डाल देंगे। ढककर फिर से पकाएंगे। तेल छोड़ने लगा है मसाला, दही फेंट कर डाल देंगे। तेज फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। नमक पानी डाल देंगे। बाल आ चुका है बचे हुए मूंग के पेस्ट को छोटा छोटा बड़ी की शेप में डाल देंगे। और इसे अभी चलाएंगे नहीं, चलाएंगे तो यह टूट जाएगा। फ्लेम को स्लो कर देंगे। 5-6 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे। उबल जाएगा। बड़ी तैयार किया था स्टीम में, उसे भी डाल देंगे। 3-4 मिनट पकने देंगे। सब्जी रेडी हो जाएगा। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे।